हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और ये आपकी क्लास सिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड शेयर अभी कर दीजिए। इंग्लिश की क्लास डिस्कस करते हैं इसी टाइम। और इसके पहले हमने जितने भी महत्वपूर्ण मेथड थे वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। और अभी ओरल बाकी है, ठीक है। आपका बाइलिंगल मेथड हो गया, ऑडियो लिंगल मेथड हो गया। ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस कर लिया है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर वेस्ट मेथड डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कमेंट्स बॉक्स में जाना है। वहाँ पे आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप शुरुआत की वीडियो देखें, तभी अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से शुरुआत से बिल्कुल नोट्स बनाएंगे तो आप सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकेगी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट सिंपल आप सेव भी कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड, डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है ये है क्या, इसके बारे में आइए जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है इसको किसने दिया है, ठीक है, किसने दिया है। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड को जो दिया है वो दिया है डॉक्टर एमपी वेस्ट ने। नाम से ही पता चल रहा है ना, डॉक्टर एमपी वेस्ट, यानी अपने ही नाम पे इन्होंने डॉक्टर वेस्ट मेथड ये बना दिया, ठीक है। तो ये इससे प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है वो किसने दिया है। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है ये डॉक्टर एमपी वेस्ट ने दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो डॉक्टर एमपी वेस्ट है इन्होंने दो बुक्स, जैसे कि एक तो बाइलिंगल और दूसरा जो है इनका बुक लर्निंग टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, इनका ही दो ये बुक है। तो बुक भी पूछ लेता है कि जो बाइलिंगल बुक हो गया या लर्निंग टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज, ये किसकी बुक है। तो ये डॉक्टर एम पी वेस्ट जी का है। अब हम यहाँ पे ये पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे कि जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है ये है क्या। सबसे पहला आप देख सकते हो सेल्फ एजुकेशन, यानी जो आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड है यह एक क्या है, सेल्फ एजुकेशन है। यानी अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है तो उसको टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आप ये सोचेंगे कि टीचर की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी, क्या वो अपने ही मन से सीख लेगा या फिर वो सीखने का प्रयास करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड होता है सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो रीडिंग पे किया जाता है। इसके पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था, कोई मेथड था जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, तो किसी में रीडिंग, राइटिंग। तो इस तरीके से इसमें जो सबसे ज़्यादा केवल एक पे ही फोकस किया जाता है और वो है रीडिंग। देखिए रीडिंग यानी इस पर कहा गया है सेल्फ एजुकेशन, यानी एक जो छात्र है स्टूडेंट से इसलिए टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि जो छात्र होता है वो खुद से अपना पढ़ सकता है। केवल और केवल इसमें फोकस जो दिया गया है वो रीडिंग पे दिया गया है। इसमें ये बोला जाता है कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, कुछ भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बुक्स को एक बार खुद से स्वयं से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले पॉइंट्स याद कर लीजिएगा कि जो आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड होता है यह एक सेल्फ एजुकेशन होता है। इतना क्लियर हो गया होगा और कभी भूलेगा भी नहीं, इसलिए मैं विस्तार से बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो डॉक्टर एम पी वेस्ट हैं इन्होंने रीडिंग एबिलिटी, यानी जो रीडिंग एबिलिटी है इसके टू टाइप बताए हैं। एक तो हो जाता है आपका ओरल, ठीक है, ओरल होता है, और दूसरा जो हो जाता है वो होता है साइलेंट, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गया। अब ओरल और साइलेंट इन्होंने टू टाइप क्यों बताया, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उसे ओरली पढ़ते हैं यानी बोल बोल के पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो साइलेंट मोड में यानी मन में ही पढ़ते हैं, ठीक है, ओरल और साइलेंट। तो
इस तरीके से, यानी जो आपका रीडिंग एबिलिटी है ये टू टाइप का है, ठीक है, ओरल और साइलेंट। यानी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ओरल यानी बोल बोल के और ज़ोर से पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो साइलेंट यानी जैसे हिंदी में हम सभी ने पढ़ा भी होगा मौन वाचन, ठीक है, तो वो मन में ही पढ़ते हैं। लेकिन इसमें ये बोला जाता है कि अगर जो कोई भी स्टूडेंट ओरली पढ़ता है यानी बोल बोल के बहुत तेज पढ़ता है तो जो उसका रीडिंग है या जो कुछ भी उसकी एबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वृद्धि होती है, वो बहुत जल्दी ही कुछ भी सीख जाता है। लेकिन जो कोई भी स्टूडेंट साइलेंट मोड पर पढ़ता है तो बहुत मतलब टाइम लगता है, समय लगता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ओरल और साइलेंट टू टाइप का होता है रीडिंग एबिलिटी, बट सबसे ज़्यादा जो फोकस यानी सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंस है वो ओरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो पॉइंट क्लियर कर लिया, एक तो जो आपका ये डॉक्टर वेस्ट मेथड है, सेल्फ एजुकेशन है, और दूसरा जो डॉक्टर एमपी वेस्ट है, इन्होंने टू टाइप्स रीडिंग के बताए हैं, एक तो ओरल और दूसरा साइलेंट, ठीक है, यानी इसको ओरली भी पढ़ सकते हो और साइलेंट भी पढ़ सकते हो। देखिए तीसरा जो पॉइंट कह रहा है, रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट, क्या मतलब होगा इसका, जो मतलब होगा कि रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पढ़ने की आदत है वो बहुत ज़्यादा विकसित होती है, डेवलप होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि फोकस ही किस पे किया जाता है, तीनों को तो छोड़ नेगलेक्ट कर दिया जाता है, आपका राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, बोलने सुनने और लिखने को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो रीडिंग यानी पढ़ने पे किया जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट यानी जो पढ़ने की आदत है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, विकसित होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है, देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग इन दिस मेथड, एम्फेसिस मतलब जो होता है वो है आपका यहाँ पे जोर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज मोर एम्फेसिस, यानी आप अगर पढ़ के यानी बहुत ज़्यादा जोर से पढ़ते हो तो जो आपका यह पढ़ने की विधि है इसमें आपका जो आदत हैबिट यानी पढ़ने की आदत बहुत ज़्यादा विकसित होता है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जोर जोर से पढ़ते हो, ठीक है, इस विधि के माध्यम से। तो पहला पॉइंट हमने जाना कि ये सेल्फ है, दूसरा कि टू टाइप्स के होते हैं, तीसरा कि अगर आप इसको जोर जोर से एम्फेसिस करके पढ़ते हो तो जो आपका रीडिंग हैबिट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन, यानी जो आपका इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनल मतलब क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय, रिलेशन मतलब क्या होता है संबंध, प्रमोट यानी जो आपका यह, आप कह सकते हो कि जो आपका यह डॉक्टर वेस्ट मेथड विधि है, कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कहीं भी अगर हम एग्जाम्पल के लिए कहें कि जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो कहीं मतलब कि अमेरिका या कहीं भी जाते हैं तो वो मतलब अपने जो भारतीय हैं उनसे तो मदर टंग में यानी हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन जो अदर पर्सन रहते हैं यानी आप कह सकते हो कि वो इंग्लिश में ही बात करते हैं तभी तो रिलेशन बनेगा। अगर वो मदर टंग में ही बात करेंगे तो जो वो रिलेशन है वो नहीं बन पाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई विदेशी भारत में आ जाता है तो वो हिंदी नहीं बोल पाता है, इंग्लिश में ही बोलता है, और जो भारतीय लोग हैं वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाता है, आप दूसरे देश में जाके इंग्लिश में बात करके आप उनसे रिलेशन बना सकते हो, बट अगर वही मद आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मतलब बहुत ज़्यादा आप खुद ही समझ गए होंगे, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा। तो यही कह रहा है, इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लॉर्ग ऑफ विजन,
ठीक है। इनलॉग मतलब होता है स्वतंत्र होता है, विजन मतलब आपका दृष्टि होता है। तो ये सिंपल अगर हम कहें तो जो आपका जो इंग्लिश है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है इंटरनेशनल संबंध, और जो आपका ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, ठीक है, जो भी बातचीत कम्युनिकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा ये संबंध स्थापित करता है, और ये इंग्लिश के ही माध्यम से पॉसिबल है और किसी लैंग्वेज से नहीं। ठीक है, भारत में तो आप किसी से भी अपने मदर टंग में बात करके उनका अपना रिलेशन बना सकते हो, बट अदर अगर आप किसी देश में चले जाते हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश इज द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग रीडिंग स्पीक राइट, यानी जो आपका यह विधि है बहुत ही मतलब सीखने का अच्छा तरीका है, शॉर्टेस्ट रोड है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला जाता है, सबसे पहले रीडिंग पे फोकस किया जाता है, स्पीक और उसके बाद राइट और उसके बाद लिसनिंग। यानी यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर कोई जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स है और वो बुक को पढ़ता है, तो जब बुक को वो पढ़ता है तो अगर वो रीडिंग करेगा तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर वो रीडिंग करता है तो जब रीडिंग करेगा तो क्या होगा कि वो बोलेगा भी, है ना, क्योंकि जब रीडिंग ओरली करेंगे तो वो बोलता है ये, लेकिन क्या वो रीडिंग करता है, उसमें से देख के पढ़ता है। ठीक, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब रीडिंग करेगा तो बोलेगा ही, स्वतः ही बोलेगा, और जब बोलेगा ही और समझेगा भी तो वो लिख भी सकता है और किसी को बोलकर सुना भी सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो रीडिंग पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इट इम्बाइब, यहाँ इम्बाइब रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इट इम्बाइब द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इसका मतलब होता है कि यह अंग्रेजी भाषा की एक आदर्श संरचना का प्रतीक है। ठीक है, यानी जो आपका, क्योंकि आप डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है स्ट्रक्चर, यानी जब आप पढ़ लेते हो तो आप सभी को स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लग जाएगा, जो कि हमने इसके पहले स्ट्रक्चर मेथड, सिचुएशनल मेथड, ये सब को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो ये अंग्रेजी भाषा की आदर्श संरचना का प्रतीक है। उसके बाद देखिए प्रमोट रीडिंग, शुरू से ही हम पढ़ रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो प्रमोट करता है वो किस पे करता है, तो रीडिंग पे, पढ़ने पे फोकस किया जाता है। और देखिए नो नीड टीचर, यानी शुरू में ही बताया, क्योंकि जो आपका यह मेथड होता है यह क्या होता है, सेल्फ एजुकेशन होता है, यानी जो भी स्टूडेंट्स होता है वह स्वतः ही पढ़ के सीख सकता है, टीचर की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, नो टीचर इज़ नीडेड। उसके बाद देखिए इन्हेंस वोकैबुलरी, क्यों, क्योंकि जब वो पढ़ता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे मतलब कि कहा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो जो सुबह के टाइम में जो न्यूज़पेपर आती है, इंग्लिश वाली न्यूज़पेपर आती है, तो आप उसको एक बार पढ़ जाइए। ठीक है, उसको एक बार सबसे पहले पढ़ जाइए, और ये जो विधि है ये सेम प्रोसेस फिट होता है इस पे, डॉक्टर वेस्ट मेथड पे। उसमें बोला जाता है कि जो सुबह का पेपर होता है, अगर आपको कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले तो एक बार उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है कि उसमें से जो वर्ड का आप मतलब मीन्स नहीं समझ पा रहे हो, मतलब नहीं समझ पा रहे हो, उसको हाईलाइट करो और उसके बाद उसको जानने का प्रयास करो कि इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है इन्हेंस वोकैबुलरी, यानी जो आपका शब्दावली होता है इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है अगर आप यानी पढ़ते हो सबसे ज़्यादा, यानी जो फोकस होता है वो रीडिंग पे होता है। उसके बाद देखिए ग्रामर इज़ नॉट इम्पोज्ड ऑफ चिल्ड्रेन, यानी जो आपका व्याकरण है, व्याकरण विधि है, ये बच्चों पे थोपा नहीं जाता है, क्योंकि इस पे सबसे इसमें ये नहीं कहा जाता है कि आपको ये लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कह सकते हो कि ग्रामर इज़ नॉट इम्पोज्ड ऑन चिल्ड्रेन, यानी जो आपका ग्रामर व्याकरण विधि है ये बच्चों पे थोपा नहीं जाता है। अब देखिए रीडिंग दिस मेथड ब्रिंग्स इंटरेस्ट इन लिटरेचर, सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे कहता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी साहित्य हो गया, अगर आप लिटरेचर दे रहे हो तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है, जैसे कि किताब होता है, साहित्य होता है, तो उसको क्या करते हैं हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है रीडिंग दिस मेथड ब्रिंग्स, यानी जो आपका यह मेथड, यानी जो ये विधि है जो सबसे ज़्यादा फोकस पढ़ने पर किया जाता है, इंटरेस्ट इन लिटरेचर, यानी आपको सबसे ज़्यादा जो रुचि आती है वो साहित्य में आता है, क्योंकि उसमें पढ़ना होता है। ठीक है,
अब देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे ये सब मेरिट था। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनके डी मेरिट क्या हैं। ठीक है, डी मेरिट क्या है आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, डी मेरिट में सबसे पहले आप सभी को पता है कि इनका जो फोकस होता है ये किस पे होता है, रीडिंग पे होता है, पढ़ने पे होता है, नेगलेक्ट कर देते हैं स्पीकिंग, बोलना भी, राइटिंग भी, लिसनिंग भी। तो ये कभी संभव नहीं है कि अगर आप केवल और केवल पढ़ के अगर हम कोई भाषा सीख सकते तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं और आसानी के साथ सीख सकते, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा कमी है। और फोकस सबसे ज़्यादा किया जाता है वो रीडिंग पे किया जाता है, पढ़ने पे किया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप पढ़ लेते हो तो आप बोल भी लेंगे, लिख भी लेंगे और किसी को आप बोल कर सुना भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज और एनीथिंग जस्ट बाय रीडिंग। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, कोई भी इंग्लिश भाषा नहीं सीख सकते जस्ट बाय रीडिंग, केवल और केवल आप पढ़ के आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ये तो 100% है कि आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो फ्रेंड्स, ये पूरा था आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड, जो कि आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मेरा यही आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को याद कराने का मेरा इरादा है कि आप किस तरीके से कितने, मतलब अगर हम ज़्यादा वर्ड सेंटेंस लाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि 2 से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार और मैं आप सभी को विस्तार से बता देती हूँ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड किसने दिया है, तो डॉक्टर एमपी वेस्ट ने दिया है। ठीक है, इन्होंने बुक्स है, यानी डॉक्टर एमपी वेस्ट का बुक है बाइलिंगुअल लर्निंग टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। और फ्रेंड्स, जो ये आपका मेथड होता है सेल्फ एजुकेशन होती है, यानी टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी, यानी इसके जो रीडिंग है इसकी एबिलिटी 2 है, ओरल साइलेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ओरली पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट, देयर इज मोर इम्पेसिस ऑन रीडिंग इन दिस मेथड। यानी इस मेथड के द्वारा अगर आप किसी कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो जोर जोर से, तो सबसे ज्यादा जो डेवलप होता है वो पढ़ने की आदत आपकी विकसित होती है। अगला जो आपका पॉइंट कहता है, इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लार्ग ऑफ आवर सॉरी इन लार्ग आवर विजन। यानी जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भाईचारे को प्रमोट करता है। जो भी वार्तालाप होता है हम आसानी के साथ किसी भी देश में जाकर इंग्लिश लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। एंड इंग्लिश इज़ द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग। यानी जो आपका इंग्लिश ही बहुत, मतलब छोटी आप कह सकते हो कि मतलब आसान विधि है सीखने का। सबसे पहले रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए इट इम्बाइब द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी आप कह सकते हो यह अंग्रेजी भाषा की आदर्श संरचना का प्रतीक है। और प्रमोट रीडिंग, नो टीचर इज नीडेड, क्योंकि सेल्फ एजुकेशन होता है। इन्हेंस वोकैबुलरी, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो ये तो तय है कि आप सभी का जो इन्हेंस, यानी जो शब्दावली या शब्दकोश है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, वृद्धि होगा। ग्रामर इज नॉट इम्पोज्ड ऑन चिल्ड्रन, यानी बच्चों पर जो व्याकरण विधि है ये थोपा नहीं जाता है। रीडिंग दिस मेथड ब्रिंग्स इंटरेस्ट इन लिटरेचर, यानी सबसे ज्यादा अगर आप रीडिंग करते हो तो आपकी रुचि साहित्य में आ जाती है। अब डी मेरिट में इग्नोर कर दिया जाता है स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग को। और यहाँ पे यही कहा जाता है यू कैन नॉट इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ एनीथिंग जस्ट बाय रीडिंग। तो केवल और केवल हम पढ़ के कोई भी लैंग्वेज आसानी के साथ नहीं सीख सकते। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर वेस्ट मेथड, कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। फ्रेंड्स, इसके पहले